हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल झा और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सिंधी वर्ड चैनल में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को अपने सिम के साथ लिंक नहीं कराया है और अगर आप घर बैठे अपने आधार कार्ड को अपने सिम के साथ लिंक कराना चाहते हो तो दोस्तों आपको ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हम आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आप घर बैठे अपने आधार कार्ड को अपने सिम के साथ लिंक करा सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हो और इसका लाइव प्रूफ देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक का जरूर देखते रहिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह करूंगा आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो हमारा वीडियो प्ले होता है तो इस तरीके से सब्सक्राइब बटन आपके सामने आता है, आपको इस पर क्लिक करना है और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपने बेल के आइकॉन पर क्लिक नहीं किया है तो उसे भी क्लिक कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम अपने आधार कार्ड को अपने सिम के साथ लिंक करने के लिए सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल में और वहां पे आपको जो है पूरा समझाते हैं प्रोसेस कि इसका प्रोसेस क्या है। दोस्तों, अपने आधार कार्ड को अपने सिम के साथ लिंक करने के लिए सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल में और वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कैसे जो है आपको ऑनलाइन लिंक करना है। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल में और आपको मोबाइल में आने के बाद यहाँ पे आपको एक नंबर को डायल करना है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे डायलर ओपन कर लेते हैं और इसके बाद देखिए हम यहाँ पे एक नंबर को डायल करेंगे। आपको डायल करना है 14546, ठीक है। तो यहाँ पे नया नंबर आया हुआ है जिस पे आप कॉल करके अपने आधार कार्ड को अपने सिम के साथ लिंक करा सकते हो। इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर जो है चालू होना चाहिए क्योंकि उस पे एक ओटीपी आता है ऑथेंटिकेशन करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको जिस नंबर पे अपने आधार कार्ड को लिंक कराना है उस नंबर से आपको इस नंबर को डायल करना है, ठीक है। तो अगर आपका पहले से अगर आपका आधार कार्ड यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा तो बता दिया जाएगा कि आपका आधार कार्ड पहले से रजिस्टर्ड है, और अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन आएगा। चलिए हम इस नंबर को यहाँ पे डायल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 14546, आपको इस नंबर को यहाँ से डायल करना है। चलिए मैं यहाँ पे अपने इसे नंबर टेलीनोर से इसे डायल कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे मैं डायल कर लेता हूँ दोबारा से। ये देखिए, हमने यहाँ पे डायल कर दिया और इसके बाद देखिए इसके इंस्ट्रक्शन हमारे सामने आ जाएंगे। आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास आपका आधार नंबर और वो मोबाइल नंबर हो जो आपने अपना आधार बनवाते समय रजिस्टर करवाया था। आपके मोबाइल के लिए री वेरिफिकेशन पहले ही किया जा चुका है, धन्यवाद। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले अपने आधार कार्ड को अपने सिम के साथ लिंक करा रखा है तो यहाँ पे इसने बता दिया है कि आप पहले से वेरिफिकेशन करा लिया है, अब आप दोबारा वेरिफिकेशन नहीं करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने आधार कार्ड को अपनी सिम के साथ लिंक नहीं कराया होगा और आप अपनी सिम से इस नंबर पे जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। आपसे आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपके पास वो नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हुआ है। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना होगा और आधार नंबर देने के बाद जो आपके उस रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको इनको यहाँ पे जो डायलर में देना होगा। इसके बाद आपका जो ओटीपी आएगा वो साइन के रूप में यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपका आधार कार्ड आपके सिम के साथ आसानी से लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस नंबर पे एक बार जो है कॉल करके जरूर देखें अगर आपने अपने आधार कार्ड को अपने सिम के साथ लिंक नहीं कराया हुआ तो। तो दोस्तों, ये अच्छा ऑप्शन है, आप इसे घर बैठे जो है अपने आधार कार्ड को लिंक करा सकते हो अपने सिम के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे सिंधी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।